बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम बना रहे हैं ग्रिल शवरमा, जो कि फेमस स्ट्रीट फूड है। और अगर घर में बनाएं तो बच्चे और बड़े न सिर्फ मज़े से खाएंगे, बल्कि इसके बनाने में भी पार्टिसिपेट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और ये रेसिपी ख़ास उन स्पाइसी फूड लवर्स के लिए है जो कि स्ट्रीट फूड्स का रुख करते हैं। अब मज़े से घर में बनाएं और इन्जॉय करें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। तो चलिए कुछ स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। बोल ले लिया है मैंने एक, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। एक टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी मिर्च डाल दी है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। टिक्का मसाला ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का ले लें आप जो आप पसंद करते हो। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ले लिया है। तीन टेबलस्पून मैंने इसमें सफेद सिरका डाल दिया है, कोई से भी सिरका आप डाल सकते हैं। सोया सॉस भी मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ले लिया है। हॉट सॉस लेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून, क्योंकि हम अपना ये शवरमा स्पाइसी बनाने वाले हैं तो हम इसमें अच्छे स्पाइसेस का हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी लिया है मैंने और इसमें मसाला मैंने सारा मिक्स कर लिया, यानी एक इसको मैंने थिक से इसका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। चिकन ले लिया है मैंने इसमें 750 ग्राम, और देखिए इस तरह से मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस ही रखे हैं। तो अभी मसाला सारा मैं इसी तरह से इसमें लगा लूँगी और इसे अब हम 1 घंटे के लिए मसाला मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ा सा मैरिनेट भी हो जाए और थोड़ा सा इसमें गिलावट भी आ जाए, जो हमने सिरका डाला है तो वो इसको अच्छी तरह से गला देगा। देखिए 1 घंटा हो चुका है और मैंने अपने ग्रिल पैन में एक थिन सी लेयर ऑयल की लगा दी है, यानी 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और जो ये हमने अब पीसेस थे हमारे चिकन के, वो अब इसमें मैं रख दूँगी फ्राई होने के लिए। लेकिन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम अपने इसकी चिकन की साइज चेंज करेंगे और इसको अच्छी तरह से अब हम पकने देंगे। देखिए दूसरी साइड भी हमारी अच्छी तरह से ये पक चुकी है, तो अब हम चेक करते हैं। तो देखिए दोनों साइड हमारी अब चिकन की अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं और गल चुकी हैं, तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ठंड होने पे हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से जैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब ग्रिल पैन में मैंने पीटर ब्रेड रख दी है ताकि इस पर हमारा अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए। और पीटर ब्रेड और वाइट सॉस की रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं। और अब मैंने इस पर सारा ब्रेड पे ही अपनी पीटर ब्रेड पे वाइट सॉस स्प्रेड कर दिया है। और मैंने अब इस पर चीज़ के स्लाइसेस डाल दिए हैं, आप पसंद करें तो डालिए वरना ये ऐसे ही मज़ेदार लगता है। तो मैंने इस पर जो है वो अपनी चीज़ सारी इस पर स्प्रेड कर दी, चीज़ के स्लाइसेस सारी ब्रेड पर स्प्रेड कर दिए हैं। और जो चिकन के हमने पीसेस किए थे तो वो भी मैं इस पर अब अच्छी तरह से सब जगह डाल दूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने चिकन भी सब इस पर अच्छी तरह से डाल दिए। और अब हमने ये अपनी दूसरी ब्रेड पीटर ब्रेड इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है ताकि इससे भी अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए।
तो देखें, एक और मैंने अपनी पीटा ब्रेड ली है और इसी तरह से सारा सॉस अब हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। देखें, सारी सॉस मैंने इस पर डाल दी है और अब मैं चीज़ के स्लाइसेस भी रख दूंगी इसके ऊपर। देखिए, सॉस और पीटे ब्रेड दोनों ही बहुत इजी हैं घर में बनाना, तो आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और ज़रूर देखिएगा। तो सारी चीज़ें देखिए घर में कितनी आराम से बन सकती हैं, तो कोशिश क्या करें कि घर में जो है वो ये चीज़ें बनाएं, एक एक्टिविटी आपको करने को मिल जाती है और इन्जॉय भी करते हैं घर वाले भी, बच्चे भी, और आप भी इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। देखिए, सारी चीज़ें मैंने इस पर डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मैं आप रोल कर लूँगी, और रोल करने के बाद अब मैं इसको भी अपने ग्रिल पैन को मैं थोड़ा सा इस पर कलर दे दूंगी, इसको क्रिस्पी कर लेंगे। टूथपिक लगा लिया मैंने अपनी आसानी के लिए, ताकि ये जो है हमारी ब्रेड खोले नहीं और ये आराम से ग्रिल पैन में ग्रिल हो जाए। देखिए, ये चिकन भी हम बहुत आराम से अपने घर में बना के फ्रीज कर सकते हैं, तो पीटा ब्रेड और अगर आप चिकन भी आप बनी हुई होगी आपके पास, तो ये बच्चों को भी आप बहुत आराम से उनके लंच बॉक्स में दे सकते हैं और हस्बैंड्स को भी बहुत ही आराम से ये शर्मा बना के दे सकते हैं। तो देखिए कितनी ईजी और मज़ेदार रेसिपी झटपट आप घर में तैयार कर सकते हैं, या कोई गेस्ट आए तो भी आप बहुत आराम से ये रेसिपी झटपट तैयार करके फ़ौरन ही लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ये क्रिस्पी सा हमारा ये शवरमा रेडी हुआ है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और लाजमी बच्चों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं इस तरह की रेसिपीज़। बहुत सारे बच्चे जो घर में खाना नहीं खाते, जो खाने से बिल्कुल ही देखते के साथ ही खाना दौड़ लगा देते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। देखिए, मज़ेदार सा हमारा ग्रिल शवरमा तैयार है और थोड़ा सा इस पर मैंने व्हाइट सॉस ड्रिजल कर दिया है। देखिए, मज़ेदार सा हमारा ग्रिल शवरमा तैयार है और मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।